ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आपको। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो मैंने आप अपने मॉडल को इस टाइप से ले लिया। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को कुछ नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से लगा देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड जो बार यहाँ पे सामने का जो स्टोन है इसके पास लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना इरेजर टूल में, हार्डनेस को फुल कर देना है। यहाँ पे साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है कि आपको कितना इरेज करना है। ठीक है, इरेज करने के बाद आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ से फटाफट इरेज कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। पहले मैं आगे तक का इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इससे ईजी हो जाता है इरेज करने में। तो मैंने यहाँ से इरेज कर लिया। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ से फटाफट कर दूंगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे इरेज कर लिया। तो अब आपसे करना है क्या, यहाँ से कर देना सिंपली डन। ठीक है गाइस, तो डन कर देने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, आपसे को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आपसे को ये वाला पीएनजी ले लेना है। ठीक है, इस पीएनजी को आपसे को लगाना है। गाइस मैं आपसे बताता हूँ, पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन करने के बाद आपसे को फेस को यहाँ पर ले जाना है अपने हैंड के पास। एंड हैंड के पास कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड इसका गाइस हम पहले थोड़ा सा ह्यू चेंज करेंगे क्योंकि ये डार्क ब्लू है, हमें स्काई ब्लू करना है इसको। तो हम स्काई ब्लू को कुछ इस टाइप से यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे की साइड ले जाएंगे। एंड ऐसे में इसको इतना, हाँ इतना ठीक है, इतना कर लेंगे। एंड ऐसे हम कर देंगे डन। इतना करने के बाद हम इसको ओपोसिटी थोड़ा कम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो गायब हो चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करके देखते हैं। पहले तो स्क्रीन में भी इतना खास लग नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसका पहले ओपोसिटी फुल रखेंगे एंड इसको स्क्रीन में रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका डुप्लीकेट करेंगे एंड हम इसको एक दूसरा वाले हैंड पर ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से सिंपली कर देना है डन। ठीक है, तो अभी भी कुछ अच्छा सा लुक आया नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, हम ऐड फोटो में जाएंगे, के वाला पीएनजी लेंगे। ठीक है, तो इस पीएनजी को पहले हम ऐसा कर देंगे ब्लेंडिंग मोड इसका लाइटन। ठीक है, एंड इसके बाद हम कुछ इस वाले हैंड पर लगा देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसका जो दूसरे वाला है इसको हम ले जाएंगे इस वाले हैंड पर। देखिएगा, इस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यहाँ पर ये। तो गाइस, अभी एक पीएनजी और लगाना है हम सभी को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेड फोटो में यहाँ से पहले डन कर लेंगे एंड उसके बाद दोबारा देंगे हेड फोटो में। एंड हेड फोटो में जाने के बाद गाइस हम पीएनजी ले लेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मोड उसको हम स्क्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे हैंड के पास लगा देंगे पार्टिकल का पीएनजी। मतलब इससे ये होगा कि हमारे हाथ से जो पावर आ रही है उसमें से कुछ पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सबको लगा लेना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल बड़ा करके थोड़ा। एंड उसके बाद आप सबको फिर दूसरा हैंड पे भी लगाना, तो उसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इसी टाइप से यहाँ पे सेम साइज़ में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लग चुका है एंड यहाँ पे हम डन कर देंगे। ठीक है, तो अब आप सभी को एक पीएनजी और लेना है। ठीक है, तो उसको हम, क्योंकि यार इसमें जो पैर के पास जो शेडो आनी थी ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बनाने की, तो ये डायरेक्ट यही इसमें मैनेज कर देगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे डन कर देंगे। एंड अब उसका आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस फोटो को सेव कर लेना है। एंड इसमें जो असली रिजल्ट आएगा वो कलर करेक्शन के बाद ही आएगा। तो चलिए गाइस, लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, फोटो हमारी ऐड हो चुकी है, तो स्लाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे, शेडो को थोड़ा कम कर देंगे, वाइट को बढ़ा देंगे, ब्लैक को थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देंगे, मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करेंगे, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, ऑरेंज येलो कलर को लेंगे, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, डार्क ब्लू को लेंगे एंड इसका ह्यू एंड सैचुरेशन प्लस कर देंगे। ठीक है, स्काई ब्लू में जाएंगे, इसका ह्यू माइनस, सैचुरेशन प्लस एंड डन कर देंगे। एंड इसके बाद जाएंगे नीचे एंड उसके बाद इस वाले टूल में जाएंगे एंड फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, फोटो में हल्का सा विगनेट डाल देंगे। ठीक है गाइस, तो क्लियरिटी कम कर देते थोड़ी। एंड इसके बाद गाइस ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे एंड इसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देंगे एंड जो नोट रुक से नाम इसको बढ़ा देंगे एंड जो कलर नोट रुक से नाम इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।